हेलो स्टूडेंट, मौरी देवी तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे आज आपको बताऊंगा बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। मैंने कल आपको बताया था बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, आज अपनी बात करते हैं बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट इसके बिट पैटर्न को निकाल कर इसको राइट में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, यह ऑपरेटर किसी ऑपरेट के बिट वैल्यू को राइट में शिफ्ट करता है और उसके बाद क्या करेगा, ऐसा करने पर लेफ्ट साइड में खाली हुए स्थान को जीरो से भर देता है। मतलब जो स्थान खाली होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका प्रयोग ऑपरेट का मान आधा करने के लिए आता है। मतलब इस ऑपरेट का प्रयोग किस लिए करते हैं अपने, कि ऑपरेट का मान आधा करने के लिए, जबकि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता था, मान को दुगना करता था। ये क्या करेगा, मान को आधा करेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑपरेट लिया है 46, इसमें मैं 1 को राइट शिफ्ट करूंगा। मैं क्या कहूँ, 1 को राइट शिफ्ट करूंगा। सबसे पहले मैं 46 जो डेसिमल मान है उसको मैं बिट पैटर्न में बदलूंगा। बिट पैटर्न यानी बाइनरी कोड में उसको बदलूंगा। मैंने इसको बाइनरी कोड लिख दिया है, इसका बाइनरी कोड क्या आएगा, 101110। ये इसका क्या है, बाइनरी कोड है, या आप बोल सकते हो ये आपका बिट पैटर्न है। फिर मैं 46 में एक को राइट शिफ्ट करता हूँ। देखो राइट शिफ्ट कैसे होगा, जैसे मैं लिख दिया एक, ये है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ मैंने लिख रखा है 101110। ये क्या है कि 46 का बिट पैटर्न है। अब इसमें क्या होगा, राइट शिफ्ट में क्या होगा कि जैसे ही एक इसमें शिफ्ट होगा, एक इसके अंदर क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो आगे का जीरो हट जाएगा और उसकी जगह जो ये जगह खाली होगी तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आगे सरकेगी और पीछे इसके लेफ्ट साइड में जो खाली स्थान हुआ है उसके अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और फिर इसका मान अपन निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 23 से, मतलब इसका आधा हो गया। आप इसका जब बीट, ये भी क्या है, बीट पैटर्न है, उसको आप जब आप डेसिमल में बदलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 23। अगर मैं मान लो इसको एक जगह दो को शिफ्ट करता हूँ, मैं अगर दो शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, तो ये एक और यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर पीछे एक जीरो और आ जाएगा। तो 46 का आधा कितना होता है आपका, 46 का होगा आपका 11। इसका मतलब इसका आपका जो मान कितना, जो आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी ऑपरेट के मान को आधा करता है। अब इसको क्या करेंगे अपने प्रोग्राम के द्वारा और समझेंगे। मैंने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपकी एड्रेस फाइल होगी। अब मैंने लिखा है int a बराबर 90, मैंने एक वेरिएबल लिया है a, इसमें मैंने 90 मान को रखा है। और मैंने एक ऑपरेट, एक क्या नाम है, एक वेरिएबल और लिया है जिसका नाम है i। ये दोनों किस प्रकार के हैं, दोनों इंटीजर प्रकार के हैं। मैंने क्लियर स्क्रीन लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वैल्यू ऑफ a इज, मैं a के मान को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। मतलब आपका जो 90 मान यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं आई के अंदर, मैं आई के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक मान शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँ देखो, और कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, राइट शिफ्ट। फिर मैंने क्या किया, आफ्टर 1 बिट राइट शिफ्टिंग, मतलब राइट शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, आप उसका मान देखोगे। मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज, फिर आई का मान आपको दिखाएगा, आई का मान क्या दिखाएगा, आपका आउटपुट कैसा आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज ये आपसे मांगेगा, या आपका मान आया हुआ है, फिर ये मैसेज आपको दिखाएगा, फिर ये क्रिया होगी, क्रिया होने पर ये मान क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। मतलब वो क्या करेगा कि 90 के अंदर 2 का भाग देके आपके मान को आधा कर देगा। तो ये होता है बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बाद में अब अपने बात करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग सी भाषा का एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रोग्राम रन टाइम के समय डाटा टाइप में परिवर्तन किया जाता है। ये परिवर्तन हाई डाटा से लो डाटा या लो डाटा से हाई डाटा पर होता है। इसमें मैंने लिख रखा है प्रोग्राम रन टाइम में एक डाटा टाइप का दूसरे डाटा टाइप में परिवर्तन होना टाइप कास्टिंग कहलाता है। कई बार
क्या होता है कि टाइप कास्टिंग सी लैंग्वेज खुद ही कर देती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कहा जाता है। और कई बार क्या होता है कि यूजर को मैनुअली करनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपने क्या नाम है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या मैनुअली टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग ऐसी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि डाटा टाइप को परिवर्तन करना होता है। कई बार प्रोग्राम में ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि आपने अगर कोई स्मॉल प्रकार का डाटा टाइप ले रखा है और आपका आंसर बड़े प्रकार के डाटा टाइप में आ रहा है, तो आप उसको टाइप कास्टिंग करके उसमें बदल सकते हैं। टाइप कास्टिंग की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है हायर टाइप टू लोअर टाइप। जैसे इसमें क्या होता है, इस टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि डाटा का लॉस होता है। डाटा का लॉस कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपने डाटा लिया था फ्लोट प्रकार का, अब उसको आप इंट में बदल रहे हैं, तो जैसे कोई आंसर 40.50 आ रहा है, तो जब वो इंटीजर में जाएगा तो वो केवल 40 दिखाएगा, 50.50 नहीं दिखाएगा। इससे क्या होता है कि इसमें डाटा का लॉस होता है। दूसरा है लोअर टाइप टू हायर टाइप। जैसे इसमें क्या होता है कि इंट टाइप को लॉन्ग इंट में बदलना, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के कन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि मेमोरी खराब होती है। जैसे जैसे इंट मान लो 2 बाइट की जगह लेता है, लेकिन लॉन्ग इंट 4 बाइट की जगह लेता है, तो क्या होगा, तो जो काम 2 बाइट में हो सकता था उसके लिए 4 बाइट लेनी पड़ी। इससे क्या होता है कि मेमोरी खराब होती है। ये तो बात होगी अपने टाइप कास्टिंग की प्रक्रिया की। अब बात करते हैं कि टाइप कास्टिंग होती है कितने प्रकार की है। टाइप कास्टिंग आपके 2 प्रकार की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट, जिसको बोल सकते हैं अपने ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट, जिसको बोला जाता है मैनुअली टाइप कास्टिंग। पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग के बारे में। इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग ऐसी टाइप कास्टिंग है जो जिसमें क्या होता है कि किसी भाषा खुद ही डाटा टाइप में परिवर्तन कर देती है। यूजर को इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये सबसे आसान तरीका है टाइप कास्टिंग का। और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसको बोला जाता है मैनुअली टाइप कास्टिंग। इस प्रकार की टाइप कास्टिंग को यूजर मैनुअली करता है, जब उसको आवश्यकता होती है तो वो मैनुअली एक डाटा टाइप से दूसरे प्रकार के डाटा टाइप में जाता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या नाम है, डाटा टाइप को लिखा जाता है। और इस ब्रैकेट का यूज क्या होता है, एक्सप्रेशन से पहले किया जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं इसी चीज के प्रोग्राम के द्वारा। सपोज कीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है ए, जो किस प्रकार का है, फ्लोट प्रकार का है। इसके अंदर मैंने 81.5 वैल्यू इंसर्ट करा रखी है या डाल रखी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ मैं वैल्यू को। मैंने लिखा है रिजल्ट इज परसेंट एफ यानी फ्लोट के लिए, और मैं इसमें एक अंदर 2 का भाग दूंगा तो उसमें जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आपका इस आउटपुट में पता चलेगा। फिर अपने एक मैं करता हूँ प्रिंट एफ रिजल्ट इज परसेंट डी क्या है, इंटीजर में काम आता है। और मैंने यहाँ देखो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। मैंने लगा ब्रैकेट, और किस में बदलना है मुझे बदलना है इंट के अंदर, तो मैंने लिखा इंट, और फिर मैंने कर दिया एक अंदर 2 का भाग देना, जो भाग आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका खत्म। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मतलब क्या आएगा कि जैसे पहला आपका क्या आएगा, इसका अगर मैं इसमें 1 अंदर 2 भाग का भाग देता हूँ तो उसका आंसर आएगा 40.7500। लेकिन मैंने इसको क्या नाम है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की, और मैंने उसको इंटीजर में बदल दिया, मतलब मैं इसको हायर से लोअर टाइप कास्टिंग के अंदर आया हूँ। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपके पॉइंट के बाद की संख्या को यह नहीं दिखाएगा, ये केवल पॉइंट से पहले वाली संख्या को या इंटीजर मान को ही दिखाएगा। तो ये थी टाइप कास्टिंग, जो आपके BA सेकेंड ईयर के एक टॉपिक है। धन्यवाद।